प्रथम तहलका न्यूज। अंबाला के हेरिटेज बंगलों में शामिल रजो विला विवादों में है। बंगाली परिवार का ये विवादित बंगला निकलसन रोड पर कबाड़ी बाजार चौक के पास मौजूद है। बंगले के प्रॉपर्टी होल्डरों में शामिल चंडीगढ़ की शर्मिता बनर्जी भिंडर ने बंगले पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। शर्मिता ने यह आरोप एक डेयरी संचालक पर लगाया है। उनका कहना है कि डेयरी वाले ने बंगले के एक हिस्से पर दीवार खड़ी कर दी है। शर्मिता का कहना है कि जब उन्होंने तहसील से कागजात चेक करवाए तो पता चला कि 261 वर्ग गज की रजिस्ट्री डेयरी संचालक के नाम पर है, जबकि उसने तो 327 वर्ग गज पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने इस मामले की शिकायत सीएम विंडो और कैंट पुलिस से भी की है। ये जो प्रॉपर्टी है, एज आई सेड, सेवेंथ जनरेशन ओनर हूं मैं। इट बिलोंग्स टू द मुखर्जी फैमिली। द प्रॉपर्टी इश्यू इज दैट अ साइड बिल्डिंग वॉज सोल्ड टू मिस्टर राजीव गुप्ता। हाँ, जो एक साइड में बिल्डिंग थी जो राजीव गुप्ता और अशोका डेयरी के ओनर निशु गुप्ता को बेची गई थी मेरे कज़न अंकल। हमें अंदेशा था पहले से ही कि वो कुछ एरिया हमारा इनक्रोच करेंगे। इसके लिए पुलिस को हमने कंप्लेन फाइल करी थी। एक डेढ़ साल से ये लोग ट्रेसपास कर रहे थे, हैरस कर रहे थे मुझे, मेरी व्हीकल भी डैमेज हुई थी, तो उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट हमने 30 मार्च को करी थी। हम रेगुलर फॉलोअप करते रहे, मिलते रहे। उसके बाद 6 जून सुबह को इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी। हमने इसको पुलिस स्टेशन से रुकवाया। 3 बजे की तरफ अराउंड फ्रेम बन गया था, पर रात को कोविड टाइम में 6 जून में ये पूरी वॉल जो ऑलमोस्ट 96.6 एंड 28 फीट लेंथ और 6 फुट हाई की रात को बना दी गई। शर्मिता बनर्जी का कहना है कि रजो विला बंगले का मालिकाना हक डॉक्टर कुमार मुखर्जी, नीलू संत और उनके पास है और तीनों ही बंगले के प्रॉपर्टी होल्डर हैं। शर्मिता बनर्जी का आरोप है कि जो हिस्सा बेचा गया उसकी रजिस्ट्री में उनके बंगले के कुछ हिस्से को भी शामिल कर दिया गया। इससे अब राजीव गुप्ता, निशु गुप्ता और उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से पर दीवार खड़ी करके कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने मामले में धोखाधड़ी, ट्रेसपास व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। हमने इनकी रजिस्ट्री निकलवा ली है जो इन्होंने 28 को रजिस्ट्री करी थी। इस रजिस्ट्री के अनुसार सिर्फ 261 स्क्वायर यार्ड जमीन उन्होंने तहसील में रजिस्टर करवाई है। इन्होंने 313 और 15 के बीच, शायद उससे थोड़ा ज्यादा क्योंकि हमने बाहर से इसको किया है मैप, इन्होंने एनक्रोच कर ली है। अब पुलिस जो है हमारी बात नहीं सुन रही है। पुलिस से सेइंग उनके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, FIR जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स है वो पुलिस फाइल करे। उसके बाद हमारे से, हमने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, और कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए तो वो हमसे ले सकते हैं। हमें इसमें ये जो है वॉल रिमूव चाहिए। दो कारण है, ये एनक्रोच्ड है, सेकेंडली उनकी रजिस्ट्री, और सारा जो भागा दौड़ी करी है रजिस्ट्री निकालना वो सब मैंने करा है। राजीव गुप्ता जी, निशु गुप्ता और किसी को भी पुलिस पिछले 1-2 हफ्तों से पहले ना कोई तफ्तीश हुई है, ना कोई बयान हुआ है, ना ये पूरा प्रूव करता है कि 3 महीने 10 दिन हो गए हैं हमारी FIR रजिस्टर नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हेरिटेज बंगले रजो विला के बारे में आपको बता दें कि इसकी नींव सन 1848 में डॉक्टर राजकिशन मुखर्जी ने रखी थी। उन्हीं के नाम पर इसे रजो विला का नाम दिया गया। 1848 में बने इस बंगले में अंग्रेजों के जमाने में दवा खाना चला करता था, लेकिन अब अवैध कब्जे की खबर से ये विला अब विवादों में है। अब हेरिटेज बंगले के इस मामले में पुलिस की आगे क्या कार्रवाई रहती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।